नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की। मामला फरुखाबाद से है, जहां रात के वक्त कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को छत से पड़ोस के ही एक खाली प्लॉट में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही गाँव के लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मामला आगरा कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां एक कारोबारी को अधिकारियों से दुकान के सामने सामान रखकर रास्ता रोकने की शिकायत करने पर सिर धड़ से अलग कर देने की धमकी मिली है। शाहरुख नाम के एक शख्स ने यह धमकी दी है। मामले की सूचना पाकर पुलिस ने शाहरुख समेत 7 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां से एक ठगी का मामला सामने आया है। अपने ही सुहागरात के दिन एक दुल्हन घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। मंगलवार को पुलिस ने महिला और उसके साथ इस घटना में शामिल अन्य 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर श्रावस्ती से है। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर पांडेय पूर्वा प्राथमिक विद्यालय के बच्चे इन दिनों 500 मीटर लंबा तिरंगा बनाने में जुटे हुए हैं। बच्चों में इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। के द्वारा तिरंगा बनाया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस समय आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें बच्चों द्वारा झंडा तिरंगा बनाया जा रहा है और हमने बच्चों की रैली निकलवाई है। गांव में लोगों को जागरूक किया है कि 13 से 15 अगस्त हमें तिरंगा अपने घरों में फहराना है, तो बच्चे हमारे तिरंगा जो बना रहे हैं वो गाँव में लोगों को बांटेंगे और बच्चों से वो लेंगे और इस तरह से लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे और महिलाएँ भी इसमें हमारा सहयोग कर रही हैं तिरंगा बनाने में और बच्चे बनाकर के अपने अपने घरों पर फहराएंगे। और स्कूली जो बच्चे हैं तिरंगा बनाए, लगभग कितने तिरंगा बनाए हैं इनका? अभी तो बन रहा है और बनते बनते लगभग इनका 200 तिरंगा हो जाएगा और हमारे यहाँ बच्चे 200 हैं, 200 तिरंगे हो जाएगा। अगली खबर श्रावस्ती के लक्ष्मणपुर से महरनीय गांव से है, जहां बरसात के पानी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गाँव की गलियों और रास्तों में जल भराव के चलते ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो गया है। जल जमाव के कारण गांव के बच्चों में संक्रमित बीमारियां होने का अंदेशा जताया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र के जरिए इस समस्या का हल निकालने का अनुरोध किया है। मामला सिद्धार्थनगर से है, जहां सुलह समझौता के नाम पर घूस लेने के चलते 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें कठेला थाना निरीक्षक सौदागर राय, आरक्षी पन्ना लाल और मुख्य आरक्षी सुरेश वरुण के नाम शामिल है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां नाग पंचमी के दिन हनुमान मंदिर में नाग देवता का आगमन हुआ। यहां देखने सैकड़ों की तादाद में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और लोगों ने नाग देवता को दूध भी पिलाया। अगली खबर लक्सर से है, जहां डेंगू के बढ़ते प्रकोप से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गई है। एसडीएम ने सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने विभागों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, एक जगह पानी इकट्ठा ना होने दें। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर लगातार अभियान चलाया जाएगा और क्षेत्र में डेंगू ना फैले इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। आज तहसील दिवस में भी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने भी सभी को निर्देशित किया कि सभी ऑफिसों में जितने भी विभागीय ऑफिस हैं सब में कोई भी टंकी हो, उसका कोई अगर टूटा हुआ ढक्कन है तो वो उसको देख लें और कहीं पानी बह रहा है, कहीं पानी जमा हो रहा वो ना होने पाए। और सभी मलिन बस्तियों में जा कर के ईओ की तरफ से भी उनको इंस्ट्रक्शन दी है कि जा कर के चेकिंग करें कि कुछ जगह सुअर जा कर के इन्होंने ज़मीन खोद गिरी, पानी का भराव हो रखा है और साफ़ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि हमारा खानपुर लक्सर हमारा ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है और इसकी तैयारी के लिए हम लोग स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन मिलकर के कैंपेन कर रहा है और हर संडे को 10 बजे हम लोग हर विभाग के साथ में जाकर के इसकी पूरी वो कैंपेन करेंगे। पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से डेंगू मुक्त हो और किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर डेंगू का केस ना आए, इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और रविवार को आने वाले रविवार को पूरे विभाग के द्वारा संबंधित जो विभाग यहाँ पे हैं उनके माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक अभियान भी यहाँ पे चलाया जाएगा और
मेरे द्वारा आज जो सरकारी विभाग है सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि शनिवार को अपने विभागों में भी पूरी चेकिंग करें कि कहीं पर कोई डेंगू का लार्वा पनप तो नहीं रहा है, और इस पर अपने आसपास के क्षेत्रों में जो जल भराव है या इस प्रकार की कोई स्थिति बनती है तो उसको चेक करें, और इसमें लगातार अभियान चलाया जाएगा और इसमें पूरा प्रयास किया जाएगा कि इस क्षेत्र में डेंगू किसी भी प्रकार से ना फैले। मामला लक्सर खानपुर विकास खंड से है, जहां लंबे समय से सफाई व्यवस्था ना होने के कारण ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गंदे पानी की निकासी ना होने के कारण गांव की नालियां जाम हो चुकी है, जिसके चलते लोगों को रास्तों से निकलने में भारी परेशानी हो रही है। अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।